शनिवार को परंपरागत राम बारात झांकियों के बीच धूमधाम से निकली तो गिरिराज महाराज की तलहटी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। घोड़े पर सवार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व झांकियों को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा तो वहीं जनता में अपार उत्साह दिखाई दिया। सर, इस बार रामलीला का जो आयोजन किया गया है और राम बारात निकाली जा रही है भव्य तरीके से, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रतिवर्ष की बात, हमारे यहाँ पर जो रामलीला है बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाई जाती है और विशेषकर हमारे यहाँ पर जो लीला होती है वो सेत लीला होती है, सप्तमी को विशेष आकर्षण रहता है उसका। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग देखने आते हैं, देशी विदेशी लोग आते हैं और एक ऐतिहासिक लीला होती है। तो जैसे की बात करें, हर साल ही रामलीला एक भव्यता के साथ में यहाँ आयोजित की जाती है और राम बारात का भी एक आकर्षक ढंग से यहाँ पे उसका आयोजन किया जाता है। इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल नया मिलेगा। आकर्षक झांकियाँ हैं, पहले से अधिक हैं। कितनी झांकियाँ इस बार निकाल लेते हैं? हैं काफी झांकियाँ हैं, अभी आ रही हैं, एक दर्जन के करीब है। तो झांकियों में कुछ विशेष आकर्षण जैसे आप बताना चाहेंगे? अभी तो ये सामने आएंगी तब देखने को मिलेगा आपको। और जनकपुरी का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? जनकपुरी में जो राम बारात का स्वागत है वो हमारे वरिष्ठ सदस्य भगवान सिंह जी, जिनका राजमिष्ठान भंडार है, उनकी तरफ से प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। जितने भी बाराती आते हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था वो करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, उनका विशेष सहयोग रहता है हमारे लिए। अध्यक्ष जी, आज राम बारात का भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या संदेश इसके द्वारा आप क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है पुरानी, वो चलती रहे और हम इसमें सहयोग करते रहे। सभी जनता का भी हमको खूब सहयोग मिल रहा है और हमारे स्थानीय कलाकारों के द्वारा ये सब कार्य किए जा रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग बहुत अच्छी प्रकार से मिल रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि सबका सहयोग मिले तो ये स्थानीय कलाकारों के द्वारा और इन लीला का मंचन किया जाए। हम ये सोचते हैं और यही हम प्रयास करते हैं कि सभी नगरवासियों से भी प्रार्थना है कि सबका सहयोग बना रहे तो ये लीला चलती रहे और जो पुराने बुजुर्ग हमारे जो लकीर डाल गए हैं उसको हम चलाते रहे, हम कोई नया काम न करें और इसमें बढ़ाए, इसमें और तरक्की करें। आज कितनी झांकियों का प्रदर्शन आज आपके रामलीला कमेटी द्वारा किया गया है? आज करीब को एक दर्जन झांकी है, एक दर्जन से भी ज्यादा है और भी बन रही है और चार पांच बैंड भी लगे हुए हैं, बाहर से भी बैंड आए हैं और बहुत तैयारी के साथ में आपकी जो राम बारात निकाली जा रही है इसमें सभी जनता का सहयोग हो रहा है। इसमें जनकपुरी में भी वहाँ सब तैयारियां हो रही हैं और हाँ, और सेत लीला आपके कुछ ज्यादा विशेष प्रकार से निकाली जाएगी और मेरा तो सभी से यही है प्रार्थना कि सभी सेत लीला को जरूर देखें और उसमें सहयोग करें। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, ये आपकी राम बारात निकाली जाएगी कहाँ से चालू होगा, कहाँ पर जाकर पूर्ण होगी? ये पुरानी जो निकलती है वो यही मदन मोहन जी, जमुना मोहन जी के मंदिर से निकलती है और अब ये रोहत पासा होते हुए, बड़े बाजार होते हुए, हाथी दरवाजा होते हुए, चकलेश्वर होते हुए और दसवें धाम में मुखंड मुखार में होकर के सौ घंटा होते हुए दानघाटी होते हुए दानघाटी में समापन हो जाएगा। वहाँ जनकपुरी का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, वहाँ सभी को निमंत्रण दिया गया है, सब प्रेमी लोग, भगवान के भक्तजन प्रेमी सब वहाँ पहुँचे और अपना सहयोग प्रदान करें और राम जी की बारात का आनंद बोलो राजा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।